नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंट फ़ोटो कैसे बनाते हैं और टेक्स्ट के पीछे उस फोटो को कैसे लेकर जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक ट्रांसपेरेंट फ़ोटो आपको पीछे दिख रहा होगा और साथ में ऊपर देखिए यहाँ पे टेक्स्ट भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह आप ट्रांसपेरेंट फ़ोटो आप इजीली बना सकते हैं। और फिलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस सबका सेम टू सेम ही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह का ट्रांसपेरेंट फ़ोटो बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो आप चाहे तो ब्लैंक में भी ट्रांसपेरेंट फ़ोटो बना सकते हैं, आप चाहे तो बेसिकली ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे ट्रांसपेरेंट फ़ोटो रहे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो टेक्स्ट हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, ये देखिएगा जो रिबन में अलग अलग जो टैब्स हैं यहाँ पे, आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे उसके बाद इलस्ट्रेशंस का यहाँ पे ग्रुप आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ इलस्ट्रेशंस, ये है इलस्ट्रेशंस का ग्रुप। यहाँ पे सेव के डाउन बटन्स में क्लिक करना है, जो भी सेप आपको पसंद है यहाँ से एक चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं इस तरह का राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल वाला सेप लूँगा, तो इस पर क्लिक करेंगे और ठीक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हो सकता है पूरा का पूरा आपका पूरे पेज में भी टेक्स्ट हो सकता है, तो जितना आपको चाहिए आप इस तरह का एक टेक्स्ट ब्लॉक, इस तरह का सेप आप पहले बना लीजिए। तो जैसे ही मैंने इस पर सेप बनाया है, देखिए वो टेक्स्ट मेरा पीछे चला गया, कोई बात नहीं है, टेक्स्ट चला गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फॉर्मेट वाला टैब, जैसे ही आप ये बनाएंगे सेप इस तरह, फॉर्मेट का टैब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो जैसे बाहर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए चला गया, तो इसके लाइन पे क्लिक कर देंगे तो फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का टैब आ गया, यहाँ पे सेव फील है, इसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ देखिए पिक्चर का ऑप्शंस दिया हुआ है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। करने के बाद इस तरह का सिलेक्ट पिक्चर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखा है जिसको आपको पीछे लगाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो यहाँ पे वो फोल्डर फाइल्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वॉलपेपर नाम का फोल्डर है, अब यहाँ पे यहाँ से एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फ़ोटो लेंगे, जैसे ये बहुत ही कॉमन फ़ोटो है, अक्सर देखने को मिलता है, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये फ़ोटो, जैसे ये फ़ोटो है देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे फिर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए फ़ोटो यहाँ पे पूरा फिल हो गया, जो सेप है उसमें फिल हो गया, लेकिन ये फ़ोटो ट्रांसपेरेंट अभी हुआ नहीं है। ट्रांसपेरेंट होने से पीछे का जो टेक्स्ट है वो दिखाई देता है, तो फ़ोटो इसमें आ गया। अब आपको क्या करना है, इस फोटो पे या तो राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने से ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ से आपको फॉर्मेट ऑटो सेप के ऑप्शन में जाना है, ऐसे भी आ सकता है ये ऑप्शन। अदरवाइज एक और तरीका है, यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए सेप स्टाइल है का जो ग्रुप है, यहाँ पे इसके डाउन बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सेम वो ऑप्शन इस तरह का फॉर्मेट ऑटो सेप का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली आप ला सकते हैं। तो जैसा आपका दिल करे आप ला सकते हैं ऑप्शन को। तो फिलहाल हम लोग फोटो पे राइट क्लिक करेंगे, यहीं से लेकर आएंगे, फॉर्मेट ऑटो सेप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फॉर्मेट ऑटो सेप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ कलर एंड लाइंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ फिल है, उसके बाद देखिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिया है, यहाँ से भी आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, या यहाँ पे जो स्लाइडर है इससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 35, 40, 43, 40 के आसपास रखा हूँ परसेंटेज। अब इसको ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, ये देखिए जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, देखिए आपको टेक्स्ट यहाँ पे दिखने लग रहा होगा, देखिए देखिए ध्यान से देखिए टेक्स्ट आपको दिख रहा है। और ज़्यादा करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट क्लिक अगेन कर दीजिए, फॉर्मेट ऑटो सेप में चले जाते हैं और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 43 है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, देखिए 54 कर दिया, ओके कर देते हैं, देखिए और देखिए ज़्यादा कर दिया, तो ज़्यादा टेक्स्ट मेरा दिखाई देने लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि और अच्छी तरह से टेक्स्ट मेरा दिखाई दे तो इसे पीछे भी भेज सकते हैं। तो इस सिलेक्टेड अवस्था में रखिए इसको, उसके बाद फॉर्मेट का दो टैब आपको दिखाई देगा, फॉर्मेट टैब पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अरेंज के ग्रुप में जाइएगा, यहाँ देखिए सेंड टू बैक है, इसके डाउन बटन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए और ज़्यादा खूबसूरती के साथ आपका जो फोटो है पीछे बैकग्राउंड में वो दिखेगा, टेक्स्ट भी आपको दिखने लगेगा। अब रहा सवाल ये जो आउटलाइन है यहाँ पे, जो इसके बाहरी जो किनारा है,
इस शेप का, उसको क्या करना है, उसको भी अगर आप चाहते हैं हटा देना चाहते हैं या अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट अवस्था में रखिएगा, इस पर लाइन पे क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा शेप आउटलाइन है, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नो आउटलाइन का बटन दिया हुआ, ये देखिए क्लिक कर दिया, देखिए नो आउटलाइन यहाँ पे आ चुका है, तो ज़्यादा खूबसूरत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सिंपल है, इसी तरह आप कोई सा भी वर्सन हो, सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए, तो इस तरह आप इजीली बना सकते हैं, इस तरह ट्रांसपेरेंट फोटो आप बना सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे लगा सकते हैं, या अगर टेक्स्ट नहीं रखना है तो भी आप बना सकते हैं, तो भी कर सकते हैं, अगर फोटो ही सिर्फ रखना है तो प्रोसेस यही है। और भी कुछ जानना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।